वेलकम टू ईशानी वीडियोस। आज संडे तो आज आपको मिलेगी आपके स्टार सीरीज छोटी छोटी अपडेट एक ही वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं मौनी रॉय से। मौनी रॉय के बारे में बताएं तो मौनी रॉय ने अभी एक क्यूट छोटे से बच्चे के साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था और उन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवा लिया है। और हेयर स्टाइल चेंज करवाने की वजह हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर मुंबई से चली गई है मौनी रॉय दुबई। अब दुबई में किस वजह से गई हैं, यहाँ पर कई सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी और वो दुबई गई हैं फिल्म फेम अवार्ड अटेंड करने के लिए। और वैसे आपको बता दें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए नजर आई थी और साथ ही साथ एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है मौनी रॉय का, वो भी फिल्म फेयर अवार्ड में। तो तैयार हो जाइए फिल्म फेम अवार्ड देखने के लिए, जल्दी हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट अदा खान की। अदा खान का एक नया ड्रेसअप वायरल हो रहा है, मतलब जो आप देख रहे हैं उनकी ये ब्लू साड़ी, इसमें उनका ये ड्रेसअप वायरल हो रहा है। उसके बाद में आपको बता दें एक बर्थडे पार्टी अटेंड करते हुए थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उसके बाद में उन्होंने यहां पर होली सेलिब्रेट किया था, होली सेलिब्रेट की थी अपने दोस्तों के साथ में, वो भी होली पार्टी में। और उसके बाद आपको बता दें होली सेलिब्रेशन का शूट भी किया था इन्होंने अपने यहाँ पर सीरियल सितारा के लिए। वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और यहाँ पर उनके बारे में हम लेटेस्ट और भी अपडेट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जल्दी हो सकता है उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के साथ में आप देख सकें, वो भी टीवी पर। तो कौन सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम जल्दी ही आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आपको अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट अलीशा पनवार की। अलीशा पनवार का ये लुक, यानी यहाँ पर कई सारे लुक्स हैं जो कि वायरल हुए हैं। इनमें से यहाँ पर इश्मे मजाओ में शूटिंग करते हुए नजर आई थी अलीशा पनवार, फोटोशूट करते हुए नजर आई है यहाँ पर दो मैगजीन्स के लिए। एक मैगजीन थी जो कि यहाँ पर थी द प्लेटफॉर्म मैगजीन और दूसरी मैगजीन थी यहाँ पर एनलाइटन इंडिया। यहाँ पर दो मैगजीन के लिए उन्होंने फोटोशूट करवाया है। उसके बाद में यहाँ पर वेडिंग सीक्वेंस शूट हुआ था इश्मे मरजाओ के अंदर, वहाँ पर वो वेडिंग सीक्वेंस शूट करते हुए नजर आई थी और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब उनका हर लुक बहुत ही ज्यादा भा रहा है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं यहाँ पर उनकी होली सेलिब्रेशन की। उन्होंने होली सेलिब्रेट किया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो उसकी फोटो जल्दी हम आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हैंडसम हंक यानी आपके फेवरेट अर्जुन बिजलानी के बारे में। अर्जुन बिजलानी के बारे में बात करें तो किचन चैंपियन के लिए फोटोशूट करते हुए यहाँ पर शूटिंग करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने होली सेलिब्रेट की थी अपनी फैमिली के साथ में। उसके बाद वो एक पार्टी में भी नजर आए थे जहाँ पर वो देखे थे और कई सारी वीडियोज भी उन्होंने अपलोड की थी अपने अकाउंट पर। तो उसके बाद में यहाँ पर वो फ्री होने के बाद में काफी ज्यादा इंजॉय करने के बाद में लास्ट नाइट को यानी कल रात को नजर आए थे एक पार्टी करते हुए अपने दोस्तों के साथ में और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। उसके बाद उन्होंने इश्मे मरजाओ शूट फिर से ज्वाइन कर लिया था। इश्मे मरजाओ शूट ज्वाइन करने के बाद अब आपको बता देते हैं आपके फेवरेट करणवीर बोहरा के बारे में। करणवीर बोहरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेला और वियाना के लिए यानी किड्स पार्टी रखी गई थी होली के आने से पहले, यहाँ पर जहाँ पर कई सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे और वो सब भी नजर आए थे, तो यहाँ पर इंजॉय करते हुए सब नजर आए थे। उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर होली पार्टी अटेंड की थी और वो भी कई सारे उनके फैमिली मेम्बर्स और कई सारे उनके दोस्त भी नजर आए थे जिनके साथ में उन्होंने कई सारी फोटो भी अपलोड की। उसके बाद यहाँ पर अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ में ट्रैवल करते हुए नजर आए थे और अब उनका यहाँ पर मेन मोटिव अब है जो ज्यादातर वो सोशल वर्क पे ध्यान देते हैं, तो वो अब ज्यादातर मेन मोटिव उसी पर रखते हैं। तो ऐसे कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।